नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज के इस व्यस्त जीवन में, व्यस्त जीवन शैली में, भागते दौड़ते जीवन में योग हमें स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये एक ज़माना था जब बहुत कम सुनने में आता था कि अरे मुझे टेंशन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर कह देते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। तो हमारी आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द इतना घुल मिल गया है कि हम ज़रा सा परेशान होते नहीं हैं कि खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस एंग्जाइटी की स्थिति में योग बहुत लाभकारी हो सकता है। कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो लाभकारी हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी में, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। स्ट्रेस की स्थिति में, एंग्जाइटी की स्थिति में आपको बहुत सूक्ष्म, आपको बैठ करके करना है पहले शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन के लिए हम इस प्रकार से पहले अपने घुटने के बल आ जाते हैं और पंजे मिले हुए हैं, एड़ी खुली हुई। अब खुली हुई एड़ी पर हम अपने हिप्स को टिका देते हैं, यानी हम वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ से आप अपने हाथों को जमीन पर टिका दीजिए, साइड में लाइए और साइड से पीछे की तरफ ले जाइए। आगे की ओर झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे, माथे को जमीन से छू देंगे। अगर आप माथा जमीन से नहीं छू पा रहे हैं, आप इतना ही आ पा रहे हैं तो इतना ही करेंगे, इतना आ पा रहे हैं तो इतना करेंगे, और छू सकते हैं तो छू देंगे। इस स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकना, जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर, और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना। पैरों को सामने की ओर फैला देना, हाथों को पीछे टिका देना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। शशांक आसन का नियमित अभ्यास आपको स्ट्रेस की स्थिति से दूर रखता है। और स्ट्रेस और एंग्जाइटी के केसेस में अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमने देखा है कि वो स्ट्रेस के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। योग की जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है उसका अध्ययन करते हैं तो वो भी बहुत लाभकारी है। योगी बने, उपयोगी बने।